मेरे साथ है 2022 की सबसे इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट एसयूवी लॉन्च, जी हाँ, महिंद्रा की ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन। नाउ इस गाड़ी के आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट गाइस आर वीडियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अ जेन्युइन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ऐसा क्यों? वेल, वी आर ड्राइविंग दिस फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। हाँ जी, 1500 किलोमीटर इन दी न्यू स्कॉर्पियो एन। ये है डीजल ऑटोमेटिक एंड इस ट्रिप के दौरान इस गाड़ी का रिव्यू सिर्फ मैं नहीं करूंगा, बट मेरे साथ रहेंगे मेरे टीम मेंबर्स। जी हाँ, इट इज टाइम फॉर आर रियल वर्ल्ड 5 पीपल रिव्यू ऑन दी स्कॉर्पियो एन। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं है। सो जतिन, तेजन, शिप्रांशु एंड जूलियन, फिलहाल हम पुणे से दिल्ली के बीच में हैं, सीनिक लोकेशन पे है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर हैं। इन द वीडियो हम इसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेस एंड कंफर्ट इन ऑल द 3 रोज, फ्यूल इकोनॉमी, फीचर्स, प्रोस कॉन्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वेल, अ लॉट हैज टू बी डिस्कस्ड विद यू गाइस। हमने ट्रिप की शुरुआत करी महिंद्रा की फैक्ट्री से। व्हाट यू सी हियर इज अ लाइनअप ऑफ ओवर 50 स्कॉर्पियो एन मॉडल्स। ऑलराइट, सो ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले को करेंगे रीसेट। दिस इज द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इट हैज रीसेट राइट नाउ। विल नाउ गो टू द एक्चुअल ड्राइव इन्फो एंड इसके अंदर हमारे पास ट्रिप मीटर ए है, इसे करेंगे हम रीसेट। उसके बाद ट्रिप बी करेंगे रीसेट। All right, good to go from Pune towards Delhi. So guys, Pune से निकल के हमें लिया था expressway towards this part of Maharashtra, Lonavala. बहुत सीनिक एंड बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है इन मॉनसून्स। बारिश हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही है फिलहाल। यहाँ पे प्लान है दैट विल गो टुवर्ड्स एम्बी वैली फॉर अ 4x4 एक्सपीरियंस इन द स्कॉर्पियो 4-व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। उसका वीडियो इज करंटली लाइव ऑन द चैनल। जी हाँ, वो लाइव हो चुका है, तो उसको आप देखना मत भूलना। प्लान क्या है, इसके बाद बाई आफ्टरनून वी पुश ऑफ टुवर्ड्स मुंबई। मुंबई विल मीट आर अदर 3 टीम मेंबर्स जो दिल्ली से बाई रोड आए हैं टुवर्ड्स मुंबई। जी हाँ, सो मुंबई पहुंचेंगे शाम को और वहां से विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स दिल्ली। सो 5 लोग मुंबई से टुवर्ड्स दिल्ली। आज कहाँ नाइट स्टे करेंगे, वेल यू विल कम टू नो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। As expected with the all new 2022 Mahindra Scorpio N, there is a 4x4 version with the diesel. We are in the automatic version. By the way, 4x4 comes to you in a lower trim as well. So good news for enthusiasts out there in the market. We are at Ambi Valley, Lonavala, to have a proper go in the 4x4 version for an off-road experience. Now this, by the way, comes in four different modes for the 4x4. You of course have 4x4 low and 4x4 edge, and then you can opt between the mud and the rut mode, which we are in right now, or you can go for the second one, which is on the screen. It's called the sand mode. You have the snow mode and you have the normal mode, but for this particular section we're going to be in the mud slash rut mode, in the automatic, in the drive mode, and of course with the 4x4 low. So the course has started, and by the way, 4x4 low means that the ratios become low, so you have more torque coming in at in every gear without trying too hard. So for example, if you're doing around 20-30 kmph, you can be in the third or fourth gear. That is the kind of thing happens in 4x4 low. Seems like a slush trail as of now, but we are told a lot is in our store. By the way, stock tires, the pressure has been reduced slightly, but these are stock tires.
सो 150 किलोमीटर इनटू द ड्राइव चार घंटे के अंदर एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जस्ट ओवर 14 km/h, नॉट बैड कंसीडरिंग कि पुणे की ट्रैफिक थी, एमबी वैली तक हिली टेरेन था, गाड़ी वॉज पार्क्ड एंड वी वर शूटिंग इट आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यू मुंबई. यहाँ पे बाकी तीन मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे, देन हम पांचों के पांचों विल कंटिन्यू टूवर्ड्स दिल्ली. फिलहाल इट इज 2:15, तो आज का नाइट आउट कहाँ पे होगा, वेल वील टेल यू इन अ फ्यू मिनट्स टाइम. इनिशियल इंप्रेशंस, सोनी का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी इज रियली सुपर्ब, सीट्स का कंफर्ट लेवल्स आई कैन वाउच फॉर इट डेफिनेटली बहुत अच्छा है. डीजल ऑटोमेटिक है, वी नॉट पुशिंग इट एट ऑल राइट नाउ. साइज बड़ा है गाड़ी का, बट मैनेजिंग इट इन ट्रैफिक और ऑन हिल्स और ऑन हाईवेज इज नॉट डिफिकल्ट. विजिबिलिटी अच्छी है, बट एक काम करता हूँ, लेट दी अदर थ्री कम एंड देन बात करेंगे. वो भी कल से ड्राइव कर रहे हैं, दिल्ली से निकले हुए हैं. सो तीन लोग जो ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हैं दो दिनों से, मैं और जूलियन. सो हमारा पांच लोगों का क्या फीडबैक है गाड़ी पे, वेल स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो. So yes, as you can see, हमारे साथ बाकी टीम मेंबर्स आ चुके हैं. वी आर फाइव इन द कार, नवी मुंबई के अंदर है, दस न्यू बॉम्बे. वी आर गोइंग टूवर्ड्स द हाईवे. बारिश नॉन स्टॉप हो रही है, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज बाकी तीन जो टीम मेंबर्स हैं ओवर है तेजन, पीके शिप्रांशु, जतिन, आई थिंक दे हैव समथिंग टू टॉक टू यू अबाउट. सो तेजन बताइए आपका पहला ओपिनियन. वेल, नई स्कॉर्पियो जो कि सबसे अवेटेड एसयूवी कह सकते हैं इस साल की इंडिया के लिए, वाकई में दिस कार विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड बाहर से भी, एंड स्पेशली व्हेन यू एंटर इनसाइड द कैबिन, द प्रीमियम फील, द सॉफ्ट टच लेदर एंड द एम्पल स्पेस विल डेफिनेटली मेक यू फील दैट दिस इज अ न्यू जनरेशन. हर लिहाज से ये गाड़ी एक कदम आगे आ चुकी है. बट ये स्कॉर्पियो का जो ट्रेड था, एक एसयूवी फैक्टर आपको फील होता था, सीट ऊंची थी, आपको कमांडिंग व्यू मिलता था, वो इस गाड़ी ने बिल्कुल भी लूज नहीं किया है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग थम्स अप फ्रॉम मी. हम लोग दो दिन की लंबी ड्राइविंग के बाद आए हैं, वी आर नॉट फ्रेश, अभी थके हुए हैं, बट स्टिल इस गाड़ी में बैठते ही वी आर फीलिंग लाइक कि थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट ऑलरेडी हिट करने लगा है बिफोर वी आर गोइंग टू हिट बैक द हाईवे अगेन. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आर्म रेस्ट बहुत अच्छी दी है, तो मैं हाथ रख सकता हूँ, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, और आपकी बैक को बहुत अच्छा फील होने वाला है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टांस, आई एम 5'11" एंड आई एम सो कंफर्टेबल. मैंने अपनी लेग्स को आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में स्ट्रेच आउट कर रखा है एंड देर इज सो मच ऑफ स्पेस बिहाइंड. बाकी पीछे क्या हाल है, विल गो एट द बैक. एंड जतिन, बाय द वे सॉरी, हम दोनों काफ़ी हेल्दी हैं एंड हमने विद आर एल्बोज ऑन द आर्म रेस्ट, एल्बोज तब भी टच नहीं होती है. इट इज सच अ वाइड एंड अ स्पेशियस SUV on the inside, definitely thumbs up to from those who are on the healthier side. So, chalte hain peeche towards Jatin and Shubhranshu. So, first thing first that I want to say is that, matlab aadha ghanta ho chuka hai mujhe rear seat pe baithe hue and I can totally say that I am sold because पुरानी स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में जो स्कॉर्पियो N है ये काफ़ी अच्छी है. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई पर्सनली लाइक इज दैट जो इनका डुअल टोन का टैन एंड ब्लैक इंटीरियर है, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी मतलब ये इतना जल्दी गंदा नहीं होगा कंपेयर टू द XUV 700 जिसमें आपको पूरा ही एक बेज या लाइट कलर स्कीम मिलती है. सेकेंडली, रेयर सीट कंफर्ट के बारे में बात करें तो बोल्स्टरिंग काफ़ी अच्छी है, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मुझे लेग रूम मिल रहा है. ये मैंने अभी लैपटॉप रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है एंड यू कैन सी दैट बनी सर इज 6 feet टॉल एंड आई स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ लेग रूम हियर. हेड रूम आप देख सकते हैं, प्लस द गुड थिंग इज दैट वी हैव एन इलेक्ट्रिक सनरूफ. पैनारोमिक नहीं है, बट देन एज आई ऑलवेज से दैट इलेक्ट्रिक सनरूफ इज वन फीचर दैट वी इंडियंस डोंट रियली नीड इट, बट देन व्हेन वी हैव इट वी डोंट रियली माइंड इट. सो दिस इज माय फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन ऑफ हाफ एन आवर. बाकी लेट्स टॉक टू यू लेटर ऑन द ट्रिप. जैसा कि जतिन और तेजन ने बताया कि नई स्कॉर्पियो N का कैबिन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कैबिन एम्बियंस और काफ़ी अच्छा है, द यूज़ ऑफ डुअल टोन कलर,
कैबिन मटेरियल क्वालिटी सब टॉप नॉच है। यहाँ पे मैं सेकंड रो के सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इशू फील होगा बिकॉज आई एम 5'10" और अगर आप एक एडल्ट को यहाँ बिठाते हैं तो पीछे जो आर्मरेस्ट है सेकंड रो का वो थोड़ी दिक्कत दे सकता है, बट शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ये पूरी तरह से मैनेजेबल है। लेग रूम की कमी बिल्कुल नहीं है, एसी काफ़ी एफिशिएंट है और यहाँ पे कैबिन में जो फील है, जो एम्बियंस है वो बहुत ही एरी फील होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक सनरूफ, वाइड विंडोज। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा है। बाकी बात करते हैं आगे कैसा रहता है ऑन द गो। तो 300 किलोमीटर्स इनटू द ड्राइव हम नासिक से अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा दूर हैं। इट इज़ नॉट डार्क एज ऑफ नाउ बट वी हैव डिसाइडेड कि हम नासिक पे ही नाइट स्टे करेंगे बिकॉज टीम ए जो तीन लोगों ने आज हमें ज्वाइन करा है दे वर ड्राइविंग फ्रॉम दिल्ली एंड मी एंड जूलियन भी हम दो दिन से शूट कर रहे हैं इस गाड़ी को। सो सुबह जल्दी उठ रहे थे नासिक में, विल कॉल इट अ डे अर्ली। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी ऑन द वे बैक, ये 100-110 पे काफ़ी ईजिली पहुँचती है इवन विद अ लोड ऑफ 5 पीपल इन द एसी रनिंग, बट उस स्पीड्स पे आके थोड़ी विंड नॉइज़ अंदर आती है। सो पॉसिबली जो इसकी विंड नॉइज़ इंसुलेशन है डोर्स के आसपास बीडिंग में उसमें इतना सफिशिएंट नहीं है। इट कुड हैव बीन बेटर, लाइक इवन राइट नाउ टॉकिंग टू आई एम हिटिंग 100 नाउ, बट कहीं ना कहीं थोड़ी विंड नॉइज़ इज कीपिंग इन। बट एट द सेम टाइम दिस कैन रियली क्रूज एट दीज स्पीड्स ऑल डे लॉन्ग बिकॉज टॉल गियरिंग है 100 की स्पीड पे, छठे गियर में इट इज़ नॉट इवन 2000 RPM, सो दैट रियली गिव्स इट वेरी लॉन्ग लेग्स। आज का दिन खत्म करेंगे नासिक में एंड कल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे विद एन एम टू रीच दिल्ली बाय लेट नाइट। शुरुआत है, आई जस्ट रीसेट दी ट्रिप मीटर ए, हमने कल किए थे 340 किलोमीटर रीसेट, परफेक्ट। एंड ट्रिप भी को हम छोड़ेंगे ऐसे ही फॉर दी इंटायर जर्नी। सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं एंड टाइम टू हिट दी हाईवे टुवर्ड्स दिल्ली। राइट देन, एक घंटा में हो चुका है 78 किलोमीटर्स, लेस ट्रैफिक एंड रियली सीनिक व्यूज। हमने कुछ सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करा है, वी हैव ओपन दी थर्ड रो वेयर जतिन इज राइट नाउ इन दी थर्ड रो। कुछ सामान बूट के अंदर है, कुछ सामान सेकंड रो के अंदर है, तो उनसे भी लेंगे क्विक अपडेट। मेरी तरफ से ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू द इंजन गेयरबॉक्स एंड द डायनामिक्स इम्पेकेबल। NVH लेवल्स बहुत अच्छे हैं, नॉइज़ वाइब्रेशंस वेल कंट्रोल्ड, enough talk, gearbox works very well and high speed manners are really surprisingly very good. Kuch features zarur missing honge, for example iske andar auto dimming mirror nahi hai yahan pe on the inside, seat ventilation nahi hai, but jo aapko gaadi ki feel aati hai high speed pe, safety aati hai andar, insulation bahut achhi hai, I am very impressed till now. चलते हैं towards जतिन कि वो पीछे कितना comfortable है या नहीं। By the way guys, हमने ऐसे videos काफ़ी करे हैं in the past with 5, 6 or 7 people depending कौन सी गाड़ी है, for example 6 people review in the XUV700 and so on, उन सब के links are currently in the description section below, तो उन videos को भी आप देखना मत भूलना। You may think that I am sitting quite comfortably, well that is not the case, but before coming to the cons मैं आपको इस गाड़ी के थोड़े प्रोज बताता हूँ एज सीटेड इन द लास्ट रो फॉर द लास्ट 1 आवर। सबसे पहले हेडरूम की बात करते हैं, तो यहाँ आई हैव एडिक्वेट स्पेस एंड आई फील दैट आई एम 5'9" वैसे, एंड आई फील दैट कि अगर
5-11 तक पीपल विल बी कंफर्टेबल. सेकेंड थिंग इज दैट आई हैव द 12 वोल्ट सॉकेट सो आई कैन चार्ज माई फोन ऑन द गो. थर्ड इज द कुशनिंग ऑफ द सीट्स, वो सेकेंड रो में भी है एंड वो थर्ड रो में भी है. हाउएवर जो यहाँ पे सबसे मेजर इशू आ सकता है एंड दैट इज द लैक ऑफ नी रूम. आई लिटरली हैव nothing here and if Shipranshu had been seated in the last row, had luggage not been here, then yahan pe this last row is definitely not for the adults, not even for the short commutes. second con main batana chahunga ki yahan pe 12 volt ka socket diya hua hai. however agar usb charging ports diye jate to kafi comfort hota for the passenger. And yeah, the under thigh support is like just like the knee room. There is no under thigh support at all, so it is best suited for children and definitely not for adults. So that was my review of the third row since one up. कल मैं Scorpio N की second row में middle में बैठा हुआ था जो कि comfortable नहीं है इतना because armrest यहाँ पे काफ़ी अनकंफर्टेबल बना देता है. बट सिटिंग चेंज होने की वजह से अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये काफ़ी कंफर्टेबल जगह है. दो लोगों के लिए स्कॉर्पियो N की सेकेंड रो काफ़ी कंफर्टेबल है. सीट की कुशनिंग, द लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट, यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है. और अभी सिंस वन आर मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ. सस्पेंशन सेटअप बहुत सही है, पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर ज़्यादा फील नहीं होते हैं. तो सो फार द एक्सपीरियंस इज गुड. बाकी आगे देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है. लगभग 3 घंटे का ड्राइविंग टाइम हो चुका है. वी हैव डन ओवर 230 किलोमीटर्स. इसके अलावा हमने एक ब्रेक ली थी फॉर हाफ एन आवर फॉर अ वेरी पॉपुलर महाराष्ट्रन ब्रेकफास्ट. वड़ा पाव था एंड मिसल पाव था, दैट वाज गुड इनफ. ट्रैफिक इज नाउ पिकिंग अप बट द सीनिक व्यूज रिमेन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. एंड कुछ देर पहले हमने एंटर किया था मध्य प्रदेश फ्रॉम महाराष्ट्र. मैं आई कंटिन्यू टू बी वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस विद द स्कॉर्पियो. द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑन ओपन रोड्स आर सिंपली सुपर. पीछे कुछ बदलाव हुआ है. शिप्रांशु हु इज टॉलर देन जतिन हैज गॉन इनटू द लास्ट रो. इज ही हैप्पी? व्हाट इज जतिन्स ओपिनियन ऑफ द सेकंड रो? बट उससे पहले बात करेंगे तेजन से हु इज सिटिंग एज अ को ड्राइवर. तेजन, योर अपडेट. वेल, 3 घंटे प्लस का सफर, बट सर आई डोंट फील सो कि इतना लंबा हमने ड्राइव कर लिया है. थैंक्स टू द न्यू सस्पेंशन, ऑल्दो एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, I am not very sure about the maintenance and reliability in long term of the suspension. But see this, मतलब आप speed breakers पे jump कर जाओगे but the car just will simply remain on its line, छोड़ेगी नहीं वो. And passenger के तौर पे at the front seat, I think मेरे को एक मिनट के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं SUV में बैठा हूँ. I feel like I am in a sedan. एंड इट्स सो कम्फर्टेबल, स्पेशियस है. विश मैं अपने फ़ोन को शायद कुछ और जगह होती डोर पैड्स पे जहाँ रख पाता. वन थिंग इज दैट कि जो डोर पैड में बॉटल होल्डर है वो थोड़ा नीचे की तरफ है. विश वो थोड़ा सा ऊपर होता, ईजी इनग्रेस आउटग्रेस होता बॉटल का. बट नेवरदलेस सो कम्फर्टेबल एंड सो स्पेशियस एंड द राइड क्वालिटी इज सिंपली सुपर, सिंपली सुपर. कुछ ऐसे आए थे इंसिडेंट जिसमें मैंने ट्रैफिक को ओवरटेक करने के लिए, ट्रक्स को ओवरटेक करने के लिए लेफ्ट दो व्हील्स को उतारा सड़क से नीचे. कंपोजर इज फिनोमिनल, फिनोमिनल. बाय द वे व्हाट तेजन मेंट वाज कि सेडान वाला कंफर्ट है इन एन एसयूवी. यूजली कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वैसा नहीं है. ये दिल्ली से ड्राइव करके आए थे हम, पुणे से 2 दिन में थे और तब भी सुबह से उठे पड़े हैं
fatigue is zero till now, which also means I might push the car till late night. वो देखते हैं. तो जाएंगे second row में, जहाँ पे I think Jatin is busy doing an article. He's hard working. तो उससे बात करते हैं विजय. So जैसा कि आप देख सकते हैं कि that I have switched from third row to the second row, and as you can see, I am more than comfortable. मेरा seating posture, and then I'm working on a laptop, and because of this armrest, I am more than happy to be seated in the second row. Also, जैसे कि तेजन ने बोला था कि जो स्कॉर्पियो N की राइड क्वालिटी है, that is just supreme. And I think it's not just me, but everyone in the car is happy with the Scorpio N. And about this car, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है so far. And plus मैं नींद बहुत लेता हूँ at times, तो आवाज़ बहुत कम है. इंजन की आवाज़, डीजल इंजन की आवाज़ बहुत कम है. एंड एनविच बहुत अच्छा है गाड़ी का. एंड प्लस रेस्ट करने के लिए हाथ के लिए यहाँ पे स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, तो ताकि मैं आराम से नींद ले सकूँ यहाँ पे. प्लस कुछ कॉन्स भी हैं गाड़ी के, जैसे कि ये फ़ोन रखने के लिए स्पेस यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है. मुझे बार बार यहाँ पे फ़ोन डालना पड़ता है, विच इज़ अ टास्क. यहाँ पे होता तो अच्छा होता, बट ओवरऑल द कार इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस. लाइक जतिन सेड कि यहाँ पे हमने सीट्स चेंज करी हैं. थर्ड रो में आई एम एट 5'10". मेरे पास हेड रूम तो इनफ है, बट यहाँ बिल्कुल भी नी रूम नहीं है. मेरी नीज सेकेंड रो से बिल्कुल चिपकी हुई हैं, और यहाँ ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल सीट है फॉर टॉल पैसेंजर्स लाइक मी, लाइक जतिन. अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है. सीट की कुशनिंग अच्छी है, बट जो रिक्लाइन एंगल है वो और बेटर हो सकता था. और अगर एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल मिल जाता तो वो एक बून होता फॉर थर्ड रो. कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो मिसिंग हैं, लाइक यहाँ पे कोई कप होल्डर नहीं है, एसी वेंट नहीं है. तो थर्ड रो में थोड़ा सा, अगर ज़्यादा सनी वेदर है तो गर्मी फील हो सकती है. अगर इंडिविजुअल एसी वेंट्स होते तो ज़्यादा बेटर होता. ऑल्दो जो ये लार्ज क्वार्टर पैनल्स हैं, इसकी वजह से कैबिन एयरी है और एसी की कूलिंग एफिशिएंट है, तो थर्ड रो में बैठना थोड़ा सा मैनेजेबल है. सो वाइल हमारी गाड़ी फिल हो रही है, आई वांट टू शो यू द काइंड ऑफ स्पेस इन द बूट. नाउ दिस इज अ प्रॉपर नाइट स्टॉलर जो यहाँ पे इजीली आया है. ये मेरा शोल्डर बैग है, ये शिप्रांश का शोल्डर बैग है, ये एक छोटा सा हैंड बैग है तेजन का, सॉरी जतिन का. सो ये तीन चार चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, बाकी हमने थोड़ा यहाँ मैनेज करा है. सो फाइव पीपल का लगेज, फाइव पीपल, दिस इज हाउ वी आर डूइंग इन द स्कॉर्पियो N. कल बारिश थी, आज ही बारिश थी रास्ते में, सो द कार इज डर्टी, बट दिस इज अ गुड कलर इन माई ओपिनियन. टू लीटर इसके अंदर आया है. अब करेंगे छोटा सा माइलेज रन फॉर अ कंप्लीट टैंक. सो आई विल रीसेट द फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले जो यहाँ पे है फ्रॉम पूना 14.3 की एमपीएल. एट द सेम टाइम जो हमारा ट्रिप मीटर है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बट आई विल शो यू द रीडिंग्स राइट नाउ. सुबह से लेके वी हैव डन 254 किलोमीटर्स इन 3 hours 23 minutes, एंड टोटल जो हमने जर्नी करी है कल से लेके अभी तक वो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की है. तो यहाँ से अगले टैंक तक आई वांट टू शो यू कि गाड़ी की इकोनॉमी कितनी आती है. तो 5 hours into the actual driving, इसके अलावा अराउंड 40-45 मिनट की मैं ब्रेक्स ली हैं. 380 किलोमीटर्स इन 5 hours इज़ प्रीटी गुड इनफ.
All of us are pretty comfortable. As you can see, he's on the laptop. Shipranshu is on the laptop. And sabse piche, Julian is having a good time resting in his own private place. We have crossed Pithampur and Indore ke outskirts pe hain. And abhi kisi ka bhi kuch aise man nahi hai that why are we doing this? Ya bahut thak rahe hain ya maza nahi aa raha hai, kuch nahi hai. So overall experience is very good. Ek cheez maine baat karni hai aapse ye ki as compared to the earlier Scorpio, iske jo road manners hain, they have improved 10 times. Agar aap lanes change karte hain higher speeds pe, आप लॉन्ग फ्लोइंग कर्व्स लेते हैं हायर स्पीड पे, आप हैवी ट्रैफिक को ओवरटेक करते हैं साइड रोड पे जाके जहाँ पे अंडुलेशंस होती हैं, ऑल ऑफ दिस इज सो मच मोर बेटर देन द अर्लियर स्कॉर्पियो. अर्लियर स्कॉर्पियो नर्वस जरूर थी हाई स्पीड पे, ये नहीं है. सो इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ. इनफैक्ट चूइंग अप माइल्स रैपिडली समथिंग विच इज़ अ यूएसपी ऑफ द स्कॉर्पियो डीजल ऑटोमेटिक. 2000 आरपीएम पे आप 110 से ऊपर होते हैं. छठा गियर टॉल है, सो दैट मीन्स लॉन्ग लेग्स, इकोनॉमी अच्छी रहेगी. डेफिनेटली समथिंग इफ यू वॉन्ट टू बी ट्रैवलिंग अ लॉट विद यू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज, दिस शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर लिस्ट. अभी एक बज चुका है, एक दो घंटे बाद लंच के लिए क्विक ब्रेक लेंगे. विल ट्राई टू हैव समथिंग लोकल. एंड रात के लिए कहाँ, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, वेल लेट्स सी. More updates. 3:15 ho chuke hain, which means we have been on the road for the last 8 hours and 15 minutes. Ispe se driving time raha hai 7 ghante ka, 540 km. Total Pune se yahan tak 880 km. Team members have been catching up on work. Julian is in the last row relaxing. Main gaadi se really impressed hu. Something about the steering feedback, lighter speeds pe shehar ke andar definitely light hai, but as you start gaining speed 80, 90, 100, it weighs up nicely, giving you ample amount of confidence. So very good from that point of view. Earlier Scorpio ke mukable definitely iska body roll bahut kam hua hai, confidence bahut upar hua hai. Audio system is lovely. We have been enjoying our music, good amount of bass as well, but jo uska touch reception hai ya uska jo screen ka size hai, that could have been better. Ditto for the rear camera. वैसे ही स्क्रीन छोटा है, बट रियर कैमरा का डिस्प्ले और भी छोटा है. एंड इट्स अ बिट लैगी. सो एज वी आर लिविंग विद द स्कॉर्पियो एंड कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, विच आई कैन टेल यू फ्रॉम एन ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मार्केट में इस गाड़ी के लिए, तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं एंड सम थिंग्स विच कुड हैव बीन बेटर. I took a small nap also. Jatin is on the driver's seat and for a tall person like me, मेरे पास knee room भी है, मेरे पास headroom तो बहुत ही अच्छा है. अगर मैं आराम से बैठता हूँ, मैं straight बैठता हूँ, sorry, I have around 3 to 4 inches of knee room left. हम एक टोल प्लाजा पे आए हैं. सीट का कंफर्ट अच्छा है, चाहे उसका बेस हो चाहे उसका बैक साइड हो, रिक्लाइन नहीं होती है, ये एक छोटा सा इशू में लगता है. बट विजिबिलिटी, लार्ज विंडोज, द राइट क्वालिटी. Even with 5 people and the luggage, I don't feel कि यहाँ से undulations पे it's bottoming out. हम अभी cement section पे हैं, cement पे हमेशा ride quality थोड़ी harsh हो जाती है because of the cement blocks. ऐसा नहीं है, diesel की clatter, diesel का drone, diesel की आवाज़ is well controlled. तो मेरे पास इस time पे almost everything positive ही है to share about the Scorpio. I'll wear my shades, I'll wear my neck band and again take a quick nap on the go.
on the driver's seat. A while back, we crossed the 9-hour mark for the driving time, and average speed almost close to 80. Good highway in this part of India so far, but truck traffic hai and a few diversions. Mera second rope experience was pretty good. I took a nap as well. And uske alawa, what I felt ki even with 5 people, ek firmness rehti hai. But the recline angle of the second rope bench is not very user friendly agar aapko lambe distance tak sona hai. That is my feedback. But uske alawa, a good place to be. Back over here, fuel economy is over 14 kmpl. Jatin had a good time behind the wheel. We are gonna hit the outskirts of Shivpuri, wahan se Gwalior, wahan se Agra. So, jo expect kiya tha from the Scorpio, wo cheez hai. But iske alawa, we have a plan in mind. We want to showcase this next to a few vehicles once we are in Delhi. Example, this with the Safari, this with the XUV700, and so on. So, those videos will keep on coming in, guys. उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको पता है क्या करना है. डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑफ कोर्स हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि जब वीडियोस लाइव जाएंगे इसके और बाकी राइवल्स के तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी. फॉर नाउ आई थिंक सब खुश हैं, बीच में सब छोटी छोटी नैप ले चुके हैं. कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिकॉज इसकी हेडलाइट्स मुझे कहा गया है आर ब्रिलियंट एट नाइट. के 7:30 हो चुके हैं. इट्स ऑलमोस्ट वेरी डार्क ऑन द आउटसाइड एंड ऐसी लंबी ड्राइव्स पे यू कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको शायद बाकी लोग नहीं बताएंगे. इस गाड़ी की हेडलाइट्स तो बहुत ही सही हैं, बट लुक एट दिस. अभी हमने एक ही लाइट ऑन करी है, फ्रंट वाली रीडिंग लाइट. ये सेकेंड ऑन करी है एंड इसको अगर हम बंद करते हैं यू कांट सी अस, ढप्पा. तो ऑन करेंगे तो सुपर सुपर ब्राइट, एंड यही चीज सर पीछे भी है, तो देखते हैं पीछे. एक घंटा काफी एडवेंचरस रहा है. वी गॉट क्रेजी रेन्स विद हाई स्पीड विंड्स ऑन द हाईवे. आसपास कुछ नहीं था, इट वाज क्वाइट डिजर्टेड बिफोर ग्वालियर. अब हम आगरा से 70 किलोमीटर पहले हैं. टोटल ड्राइविंग टाइम इज 13 आवर्स, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर आज हमने करे हैं ऑन द रोड सिंस 7 इन द मॉर्निंग. सो 14 घंटे 20 मिनट से हम सड़क पर हैं. ब्रेक्स ली थी तो ड्राइविंग टाइम 13 घंटे है. फ्रेंकली द व्हीकल इज परफॉर्म्ड मच बेटर देन एक्सपेक्टेड. यस, फटीग इज सेटिंग इन, थकावट आ रही है, तो आगरा में नाइट से करेंगे. बट द कंफर्ट लेवल, द NVH लेवल्स, द इंजन, द गियर बॉक्स, फिनोमिनल. फ्यूल इकोनॉमी हमने जब दोबारा भी टैंक फिल किया था, जो आपने देखा है कि आसपास कितनी बारिश हो रही थी, लाइटनिंग ऑल अराउंड द स्काई, वहाँ से फिल किया था. उसके बाद अभी तक 15 से ऊपर की इकोनॉमी है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट विद अ लोड ऑफ 5 पीपल एंड द लगेज एंड द एसी. आज का वीडियो हम आगरा पे एंड करेंगे एंड कल सुबह सुबह निकलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली. कल बाय द वे ब्रेजा की लॉन्च है. द वीडियो माइट गो लाइव आफ्टर द लॉन्च, तो कल हमें दिल्ली जल्दी पहुँचना है. एक्सप्रेस वे के थ्रू जाएंगे और आपसे और बातें करेंगे अबाउट दी स्कॉर्पियो एंड. सो आगरा से सुबह हम निकल रहे हैं. इट्स बीन रेनिंग नॉन स्टॉप. कल हमने किए थे 1060 किलोमीटर इन 14 आवर्स एंड 40 मिनट्स. इसको मैं करूँगा रीसेट फॉर टुडेज जर्नी. एंड फॉर दोस्त जो पूछते हैं कि कितना देती है गाड़ी, वेल दिस इज द इकोनॉमी आफ्टर द रीफिल यस्टरडे, 13.6 की इकोनॉमी पूरी नॉन स्टॉप. सो
निकलते हैं टूवर्ड्स दिल्ली। द लास्ट लेग ऑफ आगरा टू दिल्ली, निकलते ही बारिश ने हमारा काफी साथ दिया, इट्स बीन रेनिंग हेविली। ताज एक्सप्रेसवे इज कम्प्लीटली सीमेंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द रूट एंड अभी हम हैं 105 पे एज पर द स्पीडोमीटर विच इज लीगल स्पीड, ट्रू एज पर GPS सौ की स्पीड है। यहाँ पे आके जी हाँ, रोड नॉइज डज कम इन टू द केबिन। मैं कल तक नॉर्मल टायरमार्क लास्ट टॉपिक में बैठे जतिन स्लैश प्रांशु से बात कर पा रहा था, बट आई डोंट थिंक सो आज अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ शायद नॉर्मल लेवल्स पे लास्ट शो के अंदर बात नहीं जाएगी, बट दिस इज टिपिकल ऑफ सीमेंट रोड्स। हाउएवर विंड नॉइज थोड़ी कम हो सकती थी, कुछ शिफ्टिंग हुई है। तेजन हु वॉज होल्डिंग ऑन टू द फर्स्ट रो फॉर द लास्ट टू डेज हैज गॉन टू द सेकेंड रो, सो उससे पूछते हैं कि हाउ डज ही फील। जूलियन इज फाइनली ओवर है तो उससे थोड़ा फीडबैक लेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, सो And one thing is there, Team A came to Mumbai from Delhi by road, Team B Pune में shoot कर रही थी दो दिन से, हमने दो दिन से सड़क पर time बिताया है, but overall fatigue levels, comfort levels या एक जो मन में आता कि यार दिल्ली चलो वापस, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, all thanks to the Scorpio N, so definitely a winner on Mahindra's hands, but कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती थी वो तेजन बताएगा आपको in a few minutes. Finally, I'm back to the front seat after a long time. Tejan bhai ne hame bahut enjoy kiya, but now I'm back over here and 1500 km humne kar liye hain and officially main teen seat pe baith chuka hu is trip pe, so I can say front seat is the best seat of all. Bahut airy hai, leg room bahut hi acha hai yahan pe mere liye and of course meri height itni nahi hai tab bhi bahut acha feel mujhe ho raha hai, seat meri jabki aage hai tab bhi kafi leg room hai, 3-4 inch ka gap abhi bhi hai yahan pe and seats are very comfortable and cozy hai, to फटीक नहीं है एंड आई एम एंजॉयिंग द ट्रिप सो फार। एंड बाकी तेजन जी, सो फाइनली दो दिन फ्रंट सीट पे स्पेंड करने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू कम टू द सेकंड रो एंड हम मुंबई से अब तक 1200 प्लस 1200 से ज्यादा किलोमीटर कवर कर चुके हैं एंड टू बी वेरी फ्रैंक जो इनिशियल इंप्रेशन हैं मेरे स्टांस के साथ, मेरी बॉडी टाइप के साथ 5'11" आई एम क्वाइट हेल्दी। आप पीछे बैठते हैं तो फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज कि हल्का सा थाई सपोर्ट कम है, यस यू विल विश कि यार थोड़ा सा ज़्यादा होता। सेकंड थिंग आई फेल्ट इज कि सीट में जो आपके लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है वो थोड़ा सा कम है, वो बनी सर ने कल स्लीप लेते हुए ये एक्सपीरियंस भी किया और आपको बताया भी। एंड कॉन्ट्राडिक्टरी की जो अभी जूलियन ने बताया कि यार फ्रंट सीट इज द बेस्ट, नो दिस इज नॉट द बेस्ट, सेकंड रो इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट, बट ये बुरी बिल्कुल भी नहीं है। कंपेयर टू द ओल्ड जेन स्कॉर्पियो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच महिंद्रा इंजीनियर्स हैव डन। रोड नॉइज आती है बट सस्पेंशन उस चीज को बिल्कुल बैलेंस आउट कर देता है। फिर बात करते हैं यूटिलिटी स्पेसिस की, यस महिंद्रा ने थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेसिस के साथ चीटअप तो नहीं कहूँगा बट वो कर सकते थे शायद, और वाटर बॉटल होल्डर्स दे सकते थे जो ईजी टू रीच होते, बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे बॉटल के साथ स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम इसको निकालना और डालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। स्पीकिंग ऑफ द AC यूनिट, इट्स वेरी वेरी ब्रिलियंट, बहुत स्ट्रांग है। एक सी पोर्ट आपको मिलता है यहाँ फ़ोन चार्ज के लिए, आई विश एक और होता बिकॉज 7-सीटर गाड़ी है और जब बंदे ट्रैवल करते हैं तो सब फ़ोन यूज़ करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील दैट सनरूफ का जो एक्सपीरियंस है वो सेकेंड रो वाले ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और कैबिन बहुत एरी फील हो रहा है। ऑल एंड ऑल वेरी कम्फर्टेबल, आई एम हैप्पी, आई वोंट से आई एम वेरी वेरी हैप्पी बट आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड एंड लेट्स रीच टू दिल्ली।
सो लगभग 1600 किलोमीटर बाद हमने दिल्ली का बॉर्डर एंटर करा है फ्रॉम बारिश की आवाज़ बहुत है फ्रॉम नोएडा साइड चौको ब्लॉक रेन्स हैव बीन नॉन स्टॉप दो टीम मेंबर्स उतर चुके हैं तेजन सॉरी जतिन एंड प्रांशु हम तीन यहाँ पे हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे टू एंटर दिल्ली बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट ब्लॉक्ड एनीवेज वीडियो को हम एंटर करेंगे बहुत सून 1613 किलोमीटर एज ऑफ नाउ आज हमने करे हैं अभी तक 210 किलोमीटर फ्यूल इकोनॉमी आज की अगर मैं आपको शो करता हूँ तो ऑन द स्क्रीन जस्ट सेकंड जब से निकले हैं फ्रॉम आगरा 15.3 इंक्लूड्स दिस ट्रैफिक मेस जब से उतरे हैं हम एक्सप्रेस वे से स्कॉर्पियो इनसे मैं बहुत खुश हूँ स्पेशली वेरिएंट लाइनअप 4x4 इन द मिड वर्जन वेरी गुड थिंग ये टॉप एंड है कुछ फीचर्स मिसिंग होंगे एज कम्पेयर टू द XUV 700 बट वो एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के लिए है बट जिनको एक इंटीमिडेटिंग साइज चाहिए एक बड़ी SUV चाहिए रोड प्रेजेंस चाहिए गुड हाई स्पीड मैनेज चाहिए सस्पेंशन चाहिए एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आई थिंक महिंद्रा ने बहुत से काम करे सस्पेंशन आई थिंक USP है इंजन USP है डेफिनेटली वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस टिल नाउ कोई पैरामीटर है जो हमने छोड़ा है ड्यूरिंग द ट्रिप गाइज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो उस पैरामीटर का मैं आपको रिप्लाई करूँगा कोई सवाल हो आपका बट ओवरऑल एज अ समरी एज अ वर्डिक्ट डेफिनेटली सुपर सुपर गुड थम्स अप सो दिल्ली पहुंचकर 1600 किलोमीटर की जर्नी को एंड करके आई थिंक इट्स टाइम फॉर द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड हमारा आंसर क्या ये गाड़ी रिकमेंडेड है क्या आपको अपना पैसा इस स्कॉर्पियो एन पे लगाना चाहिए या नहीं वेल मेरा मानना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ऑन वन साइड इफ़ यू वॉन्ट टू बी पैम्पर्ड यानी कि आपको मूनरूफ चाहिए आपको सीट वेंटिलेशन चाहिए आपको लास्ट रो के अंदर AC वेंट्स चाहिए आपको ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर चाहिए देन गाइस गो एंड पिक द XUV 700 बट अगर आपको एक ऑथेंटिक SUV लाइफ जीनी है SUV यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल अगर आप इस स्कॉर्पियो के लिए इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे अगर आपको फोर व्हील ड्राइव चाहिए फोर व्हील ड्राइव इन अ मिडिल वर्जन एज वेल अगर आपको SUV के साथ साथ सॉर्टेड डायनामिक्स चाहिए आपको माइल मंचिंग अबिलिटीज चाहिए गाइस आंख खोलकर इसी महीने स्कॉर्पियो की वेबसाइट पे जाइए इसकी बुकिंग्स खुल जाएंगी अपना मनपसंद वेरिएंट लीजिए बुक द स्कॉर्पियो एंड स्टार्ट लिविंग द SUV लाइफ मैं इस गाड़ी से जेन्युइनली बहुत बहुत खुश हूँ महिंद्रा वेल डन